इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। धर्मा भाई ये क्या? क्या लो भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूँ क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। अमोल भाई, धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, 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 ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं? मतलब कोई बड़ी पार्टी है, लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है? ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर, मैं जो बोलूंगा तू करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा, ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू, ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? Hey, काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ, तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूँ स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे एक दो नहीं, 214,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, चार मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है, मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है, ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठा कर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो, तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए गांधी जी वाला। इसे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाता हूँ पुलिस की वैनी मिलती है। अंकल तो पट्टे वाली अंडरवियर में बैठे हैं। बिना अंडरवियर के बैठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ ये बात है। पैंट भी उतर गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी अंकल? अरे बेटा तू मेरी बात छोड़, तू सीधा सदा लग रहा, पढ़ा लिखा लग रहा, फिर इन पुलिस वाला ने तुझे गाड़ी में क्यों चढ़ा दिया? तूने क्या गलती कर दी? एक लड़की को ट्रायल करने के लिए बोला। अरे हम लोगों ने भी इन चारों पर ट्रायल की थी, तभी तो यहाँ बैठे हुए हम लोग। सर हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? क्यों? देखिए भाई बहुत फेमस गुंडा है, तो इनके पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन में फोन करके बताना पड़ेगा। घर जा रहे हैं। यार तुम लोग क्रिमिनल्स को घर पे ले जाके क्या करोगे? क्यों भाई, गाड़ी को पोछा मार दिया ना? हाँ मार दिया साहब। अब दोपहर की मार खाने के लिए तैयार हो जा सर। इन लोगों को तैयार करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे यादव भाई, कैसे हो भाई? भाई ये तो अपना शंकर भाई है, 6 महीने से दिखा नहीं, लगता यहीं पर है। बिल्कुल सही भाई। भाई यहाँ 2 मिनट रुकोगे तो सब समझ जाओगे, यहाँ के इंस्पेक्टर यमराज के दूत हैं। अगर उनकी बेटी आ गई ना तो सब मारे जाओगे, भाग जाओ जल्दी। मार दीजिए पापा। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुढ़ी तक को रोड पर निकलना हराम कर दिया है। ये वहशी दरिंदे इन सबको मार डालना चाहिए। यार ये इतनी वायलेंट क्यों है यार? सबको मार दूंगा। बेटा तू इडली खा, आराम से इडली खा। हाँ। ये सब अन्याय है। अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को भी बाजार से पकड़ के लाओगे और काट डालोगे? ऐसा नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई कांट।
पापा ये मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसे सबसे पहले मार डालो। मार डालूंगा बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये क्या बोल रहे हैं आप, आखिर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया आपसे मार खाने के लिए क्या? सांवला हूँ तो क्या हुआ, बड़े प्यार से पाला है उन्होंने। जब भी रोता था आंसू पोंछते थे, प्यास लगने पे मिनरल वाटर देते थे, बाल धोने के लिए शैम्पू देते थे, मुंह धोने के लिए फेस वॉश देते थे। हमेशा उन्होंने महंगे महंगे अच्छे कपड़े दिलवाए। हाइट कम है तो क्या सचिन तेंदुलकर बनेगा ये सोच के क्रिकेट सिखाया, चेस सिखाया ताकि विश्वनाथ आनंद बन सकूं, सितार सिखाया ताकि नीलाद्री बन सकूं, कॉलर पीछे किया ना तो सुपरस्टार राजकुमार बन जाऊंगा। अरे और तो और, पेन इसलिए दिया कि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाऊं। ऐसे सपने देखे थे बाबा ने, माना कि मैं वो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन ही गया ना। एक लड़की को प्यार से बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, शादी करके उसके साथ सेटल होना चाहता था, और तुम लोग एक होनहार इंजीनियर को मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे हवाई जहाज पर चढ़ाओ। अच्छा ये बात तुम्हारा पर्सनल है? हवाई जहाज, और वो देखो सामने। हवाई जहाज का मतलब ये है, मुझे बचा ले मेरे भाई। अबे कैसे बचाऊं, तेरी पगार इतनी है पर तू बातें इतनी करता है, इसका मतलब मुझे छोड़ देगा तू? मुझे बचा ले यार। अरे तू फोटो क्यों खींच रहा है? बताता हूँ। लड़की को ट्रायल बोलकर छेड़ने वाले तू बताएगा? लेकर जाओ इसे यहाँ से। हाँ हमको तो लेकर जाएंगे, पर आपको एक फोन आएगा, उस पर बात कर लीजिए। किसका फोन आएगा भाई? मुझे सबसे ज्यादा नफरत सिफारिश से है, आने दे फोन, उसके बाद देखता हूँ। जाकर वहाँ खड़े हो जाओ, आप देखते जाओ, क्या जाओ? तू पहले चलना यार। हाँ अच्छा एक बात बता, उसने क्या बोला तुझे? जंप करने के लिए बोला सर। अच्छा तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया है सर। फैसला नहीं किया? नहीं किया है सर। लेकिन मैंने तो कर लिया। वो क्या है? पुलिस वालों को मास्क पहनकर मारोगे तुम लोग? सर गलती हो गई सर। इनको करंट लगाओ। सर पानी की कमी की वजह से इस वक्त पूरा देश लड़ाई कर रहा है, और आप यहाँ पानी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं तो गलत बात है ना सर? क्या कहा, मुझे पाठ पढ़ा रहा है? पानी की बात तो छोड़, बता पुलिस वालों को मास्क पहन के मारा उसका क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बातें कर रहा है, इसे थोड़ा ओवर करंट देना। ठीक है सर। ले जाओ। नहीं सर, करंट मत लगाओ, सर हवाई जहाज चलाता है। बात तो सुनो, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, छोड़ो। ये बताओ इसके गले में ऐसे चेन डाल के क्यों खींच रहे हैं? ये चेन स्नैचर है, ऐसा करने से इसे अक्ल आएगी। ऐसे उसे अक्ल नहीं आएगी बल्कि जान निकल जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं भाई। रख दो, आजा बेटी, आजा बैठ जा। अब तू आराम से खा, मैं देख लूंगा। ए, उसके बाकी के कपड़े उतारो और फिर उल्टा लटकाओ। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बाप बेटी मिल के मर्दों के पीछे क्यों पड़े? अरे जब ये छोटी थी तब किसी ने इसे बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुम मेरे हाथों से मंगलसूत्र बंधवाओगी। उसने चॉकलेट की लालच में मंगलसूत्र बंधवा लिया और वो उसे चॉकलेट दिए बिना ही मंगलसूत्र बांध कर चला गया। तब से उसे सारे मर्द धोखेबाज लगते हैं और ये उनसे बदला लेती है। अरे मरवा डाला, उस दिन अगर वो इसे चॉकलेट देता तो आज हमारी ये हालत तो नहीं होती ना। एक बात बताओ, वो चॉकलेट दिए बिना भाग जाने वाला दरअसल मैं ही था। क्या कहा? वो तू ही था? हाँ भाई, जब मैं छोटा था ना तब हमारे घर के पास में पुलिस वाले रहते थे, तब मेरे सर पर बाल भी हुआ करते थे भाई। जब से आपके साथ घूमने लगा हूँ तो टेंशन में सारे बाल उड़ गए भाई। पहले तो बहुत ग्लैमरस दिखता था मैं, पर ये लड़की सिर्फ एक चॉकलेट के लिए 20 सालों तक सभी मर्दों से बदला लेगी, मैं नहीं जानता। ऐसा सर क्यों बोल रहा है? अब हमें छोड़ देंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। वो क्या? बचपन में आपकी बेटी को बिना चॉकलेट दिए भाग जाने वाले कौन है मुझे अच्छी तरह से पता है सर। कौन है वो? वो है सर। क्या हुआ बेटी, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? उसको मार डालूं क्या? देखा नहीं था तो गुस्सा थी। हा? अब देख लिया तो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अब क्या करना सर, है? बड़ा होने के नाते एक बात बोलूं, आपकी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए सर, जोड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये भी खुश रहेगी। तो अच्छा तुम्हारी जो इच्छा वही मेरी भी इच्छा है। सर डीजीपी ऑफिस से फोन आया है। डीजीपी का ऑफिस से फोन आया है, क्या बात है भाई।
हेलो इंस्पेक्टर, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल्स पर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उसे बोलो जिसने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। वो कौन है सर? वो मेरा दोस्त है। अरे ये तो क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पर इसने डाला था? बेटा तू जानता है जो प्रमोशन मुझे 10 साल से नहीं मिल रहा था वो तूने 10 मिनट में करवा दिया। यू आर ग्रेट। इसमें ग्रेट कहाँ से हो गया, आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी प्रमोशन हो गई। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो एक बार उस लड़की को फोन करके उससे कहिए कि प्लीज पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन न करें। किसी का फोन आ रहा है, उसी लड़की का। हेलो। हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। क्या किया उनका आपने? बेटा अब वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिमाग वाला है, उसको तुम छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा अंकल, मेरे लिए तो वो गधा है, मैं नहीं छोड़ने वाली। बेटा वो लड़की बोल रही तुझे नहीं छोड़ेगी, अब क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी, फोन इधर नहीं है, मैं बताता हूँ उसे। अरे लेकिन क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। कौन बात कर रहा है? मैं उत्तर कोरिया से वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग बोल रहा हूँ। अगर तूने अपनी हिकड़ी कम नहीं की ना तो अमेरिका को बोल के सीरिया के बजाय तेरे ऊपर बम फेंकवा दूंगा। मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो? अब तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो 2000 रुपए की कड़क नोट है और तू 10 रुपए की फटी हुई नोट है। अब स्कूटी में घूमने वाली तू, तुझसे मेरे भाई ने बात क्या कर ली, तू तोड़ने लगी। लड़की से कोई ऐसे बात करता है? लड़कियाँ शर्माते हुए अच्छी लगती है और मर्द शेर की तरह दहाड़ते हुए। ए तू डरी की नहीं? ए तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ए तू फोन रख रहे? मैं तुझे। बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब वन मिनट डैड, ये हमेशा लेट करती है, इसके तैयार होने का फंक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी तैयार होकर आ। मामा कल से तो तैयार होकर नहीं बैठ सकती ना, क्यों डैडी? सही कहा।